नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में तहसील माधवगढ़ के तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के योजनाओं से संबंधित एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टालों पर जाकर वहां की योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। इसके उपरांत उन्होंने पिछले संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की अद्यतन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पिछले समाधान दिवस के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रगति धीमी पाई गई, जिस पर उन्होंने चिंता जताते हुए निस्तारण की प्रगति में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने उपस्थिति पंजिका का भी निरीक्षण किया। आज के संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रार्थना पत्रों को बड़े गंभीरता पूर्वक देखते हुए उन्होंने मौके पर संबंधित अधिकारी को बुलाकर शीघ्र निस्तारित किए जाने के निर्देश देते हुए प्रार्थना पत्रों को सौंप दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी प्रार्थना पत्र आए उसके निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आज के संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 124 प्रार्थना पत्र पंजीकृत किए गए तथा जिसमें 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी महोदया ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आज के संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रार्थना पत्रों को गुणवत्ता एवं ससमय निस्तारित करते हुए अवगत कराएंगे तथा संबंधित को भी इसकी जानकारी देंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी माधवगढ़ शालीग्राम, परियोजना निदेशक DRDA शशिकांत द्विवेदी, उप कृषि निदेशक RK तिवारी, क्षेत्राधिकारी माधवगढ़, तहसीलदार माधवगढ़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। ये थी नितिन कुशवाहा की रिपोर्ट। आपके द्वारा तहसील माधवगढ़ में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया है, कितनी शिकायतें आई हैं और क्या आपके द्वारा? आज तहसील माधवगढ़ में समाधान दिवस का जो आयोजन किया गया था इसमें कुल हमारे पास 124 शिकायतें आई हैं। सबसे अधिक राजस्व विभाग की 38 हैं, पुलिस विभाग की 26 हैं, विकास विभाग से संबंधित 31 शिकायतें थी और कृषि विद्युत एवं अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें भी थी, जिनमें से हमने 7 शिकायतों का तुरंत मौके पर निस्तारण किया है और 5 शिकायतों के संबंध में 5 छवि टीम भेजी जाएंगी जिनका निस्तारण आज सुनिश्चित किया जाएगा और शेष शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। शासन की प्राथमिकता के अनुरूप इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है और इनसे रैंडमली फीडबैक भी लिया जाता है कि जो शिकायतें निस्तारित हो रही हैं वो लोगों की संतुष्टि के अनुरूप हैं अथवा नहीं। मैडम, शिकायतें कुछ लोग कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या तहसील दिवस से लोगों का जो है वो उठता जा रहा है, क्या विश्वास शिकायतें कम निस्तारण हो पा रही है? को सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं कि लोगों की समस्याएं जो हैं वो उतनी नहीं है कि उन्हें यहाँ तक आने की आवश्यकता पड़े या स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाता है और जैसे कि शासन की प्राथमिकता है कि प्रशासन की पहुंच और सक्रियता सदैव बनी रहनी चाहिए, तो हो सकता है हमारी प्रशासन की पहुँच और सक्रियता इतनी है कि लोगों की शिकायतें निरंतर जो है वो निस्तारित हो रही हैं। भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, जैसे प्रधानों में और शौचालय आवास में भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो क्या? इस संबंध में मैंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि ब्लॉक वाइज एक जिला स्तरीय अधिकारी और साथ में एक अधिशासी अभियंता की संयुक्त टीम गठित कर दें और उस ब्लॉक से संबंधित जो भी शिकायतें आएंगी वो टीम वहाँ पर कॉन्टीन्यूटी में जांच करती रहेगी ताकि एक व्यवस्थित रिपोर्ट हमारे पास आ जाए और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।